राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे, आज जानेंगे कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में किस दान से बदल सकता है हमारा भाग्य, दूर हो सकती हैं बाधाएं और मिलेगी हर ओर से उन्नति और तरक्की। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान व गायत्री पाठ के अतिरिक्त ऐसा महान पुण्यवान कौन सा दान है जो सारे समस्याओं को दूर करके हमें अनंत भाग्यवान बनाएगा और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, यह जानेंगे आज के विषय में। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन शनिवार आश्विन माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शाम 4:40 तक रहेगी, इसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। आज तृतीया का श्राद्ध है। आज नक्षत्र रेवती जो दिन और रात्रि दोनों समय रहेगा। आज योग गंड करण विष्टिवद्र और भाव है। राहु काल का समय 9 से आरंभ होकर 10:30 के मध्य रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय 11:45 से आरंभ होकर 12:36 तक है और शाम को शुभ समय 3 से आरंभ होकर 4:30 तक रहेगा। और सर्वोत्तम कोई कार्य आप करना चाहते हैं उसके लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:30 से 9 तक रहेगा। तिथि के अनुसार आज परवल की सब्जी नहीं खानी चाहिए, इसका आज निषेध है। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी है। यात्रा करनी जरूरी है तो आप उड़द खाकर करें, मंगलमय रहेगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, गायत्री पाठ के अतिरिक्त ऐसा महान पुण्य प्रदान करने वाला कौन सा दान है, क्या दान हम अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यह दान आप किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, यह दान आप धर्म स्थान में कर सकते हैं, यह दान आप विद्वान ब्राह्मण को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दान के विषय में। सबसे प्रथम दान है काले तिल का, पितृपक्ष में बड़ा महत्व है। सबसे अधिक जो पुण्यदायी है काले तिल, जो पितरों को मोक्ष दिलाने वाले हैं और कोई अचानक से जो संकट हमारे ऊपर आ जाते हैं उनसे हमें बचाने वाले हैं और शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाने वाले हैं काले तिल। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप काले तिल का या काले तिल से बने हुए किसी भी पदार्थ का आप दान कर सकते हैं। तेल का दान कर सकते हैं, काले तिल से बनी हुई मिठाई का आप दान कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा दान है गऊ, गऊ माता का दान। पूर्व कृत जो कर्म हैं, हमारे कर्मों का बंधन है, जो ऋण है जिसके कारण हम अपने वर्तमान में या भविष्य में कष्ट को प्राप्त करते हैं, उनसे मुक्ति हो जाती है। बड़ा ही अद्भुत है और भगवान नारायण की परम कृपा प्राप्त कराने वाला है और पितृजनों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है गौ माता का दान। तो शक्ति है, सामर्थ्य है तो बछड़े वाली गौ का दान करना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई बछिया ले आए उसका दान कर दिया, उसका वो महत्व नहीं है। वत्स सहित अगर गौ है यानी बच्चे के साथ गौ का दान हम करते हैं तो वह गौ दान कहलाता है और उसके दान से कहे गए फल की हमें प्राप्ति होती है। ऐसे ही अगला दान है घी का दान। घी का दान करने से हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है, उसकी वृद्धि होती है और हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो घी का दान भी बड़ा अद्भुत है। अगर शक्ति है, सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप घी का दान कर सकते हैं। ऐसे ही अगला दान अन्न का है। अन्न में आप कुछ भी ले सकते हैं, गेहूँ है, चावल है, सप्तधान्य है या दाल इत्यादि, जो भी अन्न में आता है जिसको हम ग्रहण करते हैं। अगर अन्न का दान हम पितृपक्ष में करते हैं तो इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और जो सूर्य आदि नवग्रह हैं उनका सुफल हमें प्राप्त होने लगता है। अगर कोई नवग्रहों की त्रुटि हो रही है, कहीं हमसे गलती हो रही है, कहीं नवग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हम पर बढ़ा हुआ है तो वह सकारात्मक हो जाता है और पुण्य हमारा बढ़ जाता है। ऐसे ही अगला दान है भूमि का दान। प्रत्येक के सामर्थ्य में नहीं होता है कि भूमि का दान करें, लेकिन आप पर पितरों की कृपा है, यदि भूमि आपके पास पितरों की कृपा से अधिक है
तो आप उसमें से कुछ अंशदान कहीं कर सकते हैं, कहीं दे मंदिर के निमित्त कर सकते हैं, कहीं किसी विद्वान ब्राह्मण को कर सकते हैं, या कोई ज़रूरतमंद है तो उसे आप भूमि का दान कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपको चिरकालीन यश की प्राप्ति होगी, यानी आपका यश, आपका नाम चिरकालीन लंबे समय तक समाज में स्थापित रहता है और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अगला दान है वस्त्र। वस्त्र के दान से शुभ संस्कारों की आपको प्राप्ति होती है, संस्कारों में वृद्धि होती है, पितृ कृपा आपको प्राप्त होती है और भविष्य में सुंदर नवीन वस्त्रों की आपको प्राप्ति होती है। यह है वस्त्र दान का प्रभाव। ऐसे ही अगला दान है सोने का दान। अगर आपके सामर्थ्य में है तो आप थोड़े से सोने का दान भी कर सकते हैं। अगर आप पितृपक्ष में सोने का दान करते हैं तो यदि आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं, कोई सरकारी बंधन आप पर लगा हुआ है, यानी कोई कारावास, जेल इत्यादि, या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्याएं चल रही हैं, तो पितृपक्ष में पितृ की तिथि पर, यानी जो आपके पूर्वज हैं उस समय उनकी तिथि पर आप सोने का दान करते हैं तो उस बंधन से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और पितृ कृपा आपको प्राप्त होती है, पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। और पितरों की परम प्रिय है चांदी, सफ़ेद वस्तु। अगर हम सफ़ेद वस्तु कोई भी है उसका हम दान करते हैं और उनमें सबसे अधिक प्रभावी है चांदी, चांदी का हम दान करते हैं तो निश्चय रूप से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। चांदी का प्रयोग हम पितृ पूजन में करते हैं तो उससे भी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर सामर्थ्य है तो निश्चय रूप से आपको चांदी का दान पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को तो सदगति प्राप्त होगी और आपकी भी लक्ष्मी धन आदि में वृद्धि होगी, और कोई आपका व्यवसाय है तो उसमें निरंतर आपकी पदोन्नति होगी। ऐसे ही अगला दान गुड़ या नमक का। अपनी इच्छा के अनुसार आप पितृपक्ष में गुड़ या नमक का दान कर सकते हैं। इससे आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी, यानी आपका कहीं ऋण है, अगर किसी से आपने ऋण ले लिया है, नहीं दिया जा रहा है, तो आप गुड़ व नमक का दान कर सकते हैं। ऋण बंधन से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पितरों को भी मोक्ष कृपा प्राप्त होगी। ऐसे ही अगला दान दूध का है। दूध का दान मानसिक शांति देने वाला है, मन को प्रसन्नता देने वाला है और पितरों की श्रेष्ठ कृपा आपको प्राप्त कराने वाला है। तो यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, जैसी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान ऐसा करें कि जिसको आप दान कर रहे हैं वह उस दान को प्रयोग में ले सके। दान की सामग्री इस प्रकार की ना हो कि वह भी लेकर यत्र तत्र किसी को दान कर दे, किसी को दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा दिया गया दान, आपके द्वारा दी गई वस्तु प्रयोग में आनी चाहिए तो उसका श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर आप वीडियो देखते हैं उसके लिए अनंत आपका धन्यवाद। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।